हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हाउ टू रिवर्स एन इंटीजर। कोई भी अगर इंटीजर दिया गया हो तो उसको हम कैसे रिवर्स करते हैं, ठीक है। इस प्रॉब्लम को अभी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इंटीजर को कैसे रिवर्स करते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले हम देखेंगे कि कैसे कोई इंटीजर फॉर्म होता है, ठीक है। हाउ एन इंटीजर इज फॉर्म, कोई भी इंटीजर कैसे फॉर्म होता है उस चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए लीजिए, मान लीजिए कि आपके पास एक इंटीजर है एन, एन इज 356, ठीक है। सो देख सकते हैं इस 356 में बेसिकली मेरे पास थ्री डिजिट्स हैं, 3, 5 एंड 6। यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 6 है, टेंस प्लेस पे जो डिजिट है 5 है, और 100 प्लेस पे जो डिजिट है वो है 3। सो दिस इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू 3 into, ये 100 प्लेस पे है, सो 3 into 10 to the power 2, 10 to the power 2 मीन्स 100, सो दिस इज आती 100 प्लेस, 5 10 प्लेस पे है, सो दिस इज बेसिकली 5 into 10, ठीक है। 6 यूनिट प्लेस पे है, सो दिस इज बेसिकली 6 into 1, ठीक है। सो इस तरीके से ये नंबर फॉर्म हुआ है। अगर आपको ये नंबर फॉर्म करना है तो पहले आपके पास क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, देन 5, देन 6, और इस तरीके से ये नंबर फॉर्म होगा, ठीक है। दूसरा नंबर ले लीजिए, मान लीजिए एन इज इक्वल टू 4678, 4678, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये नंबर कैसे फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, 8 इज एट यूनिट प्लेस, 7 इज एट टेंथ प्लेस, 6 एट 100 प्लेस, एंड 4 इज एट 1000 प्लेस। सो दिस इज बेसिकली 4000 प्लेस पे है, सो 10 to the power 3000, 6 100 प्लेस पे है 10 to the power 2, 7 टेंथ प्लेस पे है 10, और 8 क्या है, यूनिट प्लेस पे है, सो 8 into 1। तो इस तरीके से ये नंबर फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको ये नंबर फॉर्म करना है तो इस तरीके से ये नंबर फॉर्म होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसमें 356 में ये नंबर फॉर्म होने के लिए आपको जो डिजिट चाहिए वो किस ऑर्डर में चाहिए, ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, ऑर्डर जो डिजिट्स का होगा वो होगा 3, उसके बाद आपको चाहिए 5, उसके बाद चाहिए 6। उसी तरह से यहाँ पे जो ऑर्डर होगा डिजिट का, अगर इस नंबर को आपको फॉर्म करना है, वो क्या होगा, ऑर्डर विल बी, ऑर्डर ऑफ डिजिट्स विल बी 4, पहले 1000 प्लेस का चाहिए, फिर 100 प्लेस का चाहिए 6, फिर 10th प्लेस का चाहिए 7, फिर आपको चाहिए 8, ठीक है। तो इस तरीके से ये नंबर फॉर्म होगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर है जैसे आप फॉर्म करते हैं, तो पहले जो हाईएस्ट जो पोजीशन होगा, जैसे कि यहाँ पे 1000 प्लेस है, वो पहले डिजिट चाहिए होगा, फिर उसके बाद 100 प्लेस वाला, 1000 प्लेस वाला, फिर 100 प्लेस वाला, फिर ये यूनिट प्लेस वाला। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि हम लेफ्ट टू राइट जो जाएंगे तो इस ऑर्डर में मुझे डिजिट चाहिए, मतलब पहले ये 3 चाहिए, फिर 5 चाहिए, फिर 6 चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे पहले 4 चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए, फिर 8 चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का हम यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये डिजिट बेसिकली, ये नंबर बेसिकली एल्गोरिदम देखेंगे कैसे ये फॉर्म होता है, ठीक है। तो इनिशियली इसी को अगर हम देखें, एन इज इक्वल टू 356, तो ये नंबर बेसिकली कैसे फॉर्म हुआ होगा, ठीक है। तो इनिशियली एन क्या रहा होगा, मेरे पास जो डिजिट्स अवेलेबल हैं, डिजिट्स आर जो हैं वो 3 है, 5 है, और ये 6 है, ठीक है। तो इनिशियली ये क्या रहा होगा, नंबर विल बी 0, ठीक है। और ये पहले ये नंबर 0 रहा होगा, उसके बाद ये एन क्या रहा आएगा, 3 बना होगा, उसके बाद एन क्या बना होगा, 35 बना होगा, उसके बाद एन क्या बना होगा, 356 बना होगा। तो इस तरीके से ये नंबर फॉर्म होगा, पहले 0, फिर 3, फिर 35, फिर 356, मतलब कि ये पहले क्या, कौन सा डिजिट आएगा, 100 प्लेस का डिजिट आएगा, फिर सेकेंड स्टेप में क्या आएगा, 10th प्लेस का डिजिट आएगा, फिर फाइनली क्या होगा, यूनिट प्लेस का डिजिट आएगा। उसी तरह से अगर आप ले लें एग्जांपल, एन इज इक्वल टू दिस वन 4678, तो ये कैसे फॉर्म होगा, इनिशियली एन क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, फिर एन क्या रहा होगा, 4 बना, फिर एन 46 बना, फिर एन 467 बना, फिर एन 46
7, 8 बना। तो इस तरीके से बेसिकली ये नंबर फॉर्म होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कैसे, क्या एल्गोरिदम है नंबर फॉर्म होने का, क्योंकि इसका हम यूज करेंगे रिवर्स करने के लिए एक इंटीजर को, ठीक है। सो लेट अस सी, ये नंबर अगर डिजिट्स मान लीजिए एन इज इक्वल, ये जो रूल होता है वो होता है ये डिजिट फॉर्म होने का, एन इज इक्वल टू एन इंटू 10 प्लस डिजिट्स, इसी रूल के अनुसार क्या होता है ये नंबर फॉर्म होता है, ठीक है। तो मान लीजिए एन इज इक्वल टू 356 आपको क्रिएट करना है नंबर, ये नंबर फॉर्म करना है, तो डिजिट जो अवेलेबल है वो क्या होंगे, डिजिट्स आर 3 है, 5 है, 6 है, ठीक है, इसी ऑर्डर में है ये, ठीक है। तो इनिशियली एन क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, एन विल बी नाउ एन इंटू 10 प्लस डिजिट, सो डिजिट इज दिस वन 3, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इनिशियली ये 0 है, पहले स्टेप में देखे तो 0 इंटू 10 प्लस 3, ये 3 हो जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा, n विल बी नाउ ये n क्या होगा यहां पे, दिस n इंटू 10 प्लस डिजिट, डिजिट क्या होगा अब ये डिजिट यूज होगा, सो दिस विल बी नाउ n इज इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 5, 35, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, n इज इक्वल टू अगेन n इंटू 10 प्लस डिजिट, ये डिजिट कौन सा होगा, 6, सो दिस विल बी एन इज 35, ये जो एन यहां पे यूज होगा 35 इंटू 10 प्लस डिजिट इज 6, सो दिस इज 356। तो आप देख सकते हैं ये नंबर कैसे फॉर्म हो रहा, उसी तरह से अगर ये नंबर अगर आपका है एन 4, 6, 7, 8, तो यहां पे डिजिट्स मेरे पे क्या होने चाहिए अवेलेबल, ये होने चाहिए 4, 6, 7, 8, ठीक है। तो इनिशियली n क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, फिर क्या होगा पहले स्टेप पे, n इज इक्वल टू n इंटू 10 प्लस पहला डिजिट यूज होगा 4, सो दिस इज 0 इंटू 10 प्लस 4, सो दिस इज 4। सेकेंड स्टेप में n क्या होगा, n इंटू 10 प्लस दूसरा डिजिट यूज होगा 6, n कितना है यहां पे, n इज 4, सो दिस इज 4 इंटू 10 प्लस 6, दिस इज 46। उसी तरह से तीसरे स्टेप में n विल बी n इंटू 10 प्लस अब ये 7 यूज करेंगे हम, सो n कितना है, n इज नाउ 46, सो दिस इज 46 इंटू 10 प्लस 7, सो दिस इज 467। फाइनली क्या होगा, n विल बी n इंटू 10 प्लस ये वाला डिजिट यूज करेंगे 8, ठीक, दिस विल बी नाउ 467 इंटू 10 प्लस 8, सो दिस इज 4, 6, 7, 8। तो इस तरीके से देखिए कि ये नंबर हम फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये मैं करीब आप समझ गए, तो इसका हम यूज करके क्या करेंगे, जो डिजिट सॉरी रिवर्स करने का जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो किसी भी नंबर को हम कैसे रिवर्स करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो नंबर है n इज 356, तो इसका रिवर्स क्या होगा, रिवर्स कितना होगा, इसका रिवर्स विल बी 653, क्योंकि यहां पे रिवर्स में क्या होगा, जो डिजिट यूनिट प्लेस पे वो कहां चला जाएगा, 100 प्लेस पे, ये डिजिट 10 प्लेस पे, जो 10 प्लेस पे ही रहेगा, ये क्या है 100 प्लेस पे है, तो ये चला जाएगा यूनिट प्लेस पे, ठीक है। उसी तरह से एन मान लीजिए अगर आपका 4, 6, 7, 8 है, तो इन रिवर्स का कितना हो जाएगा, जस्ट आप डिजिट का ऑर्डर चेंज कर दीजिए, दिस विल बी 8, 7, 6, 4, ठीक है। तो अब देखिए कि इसका रिवर्स पता करने के लिए कैसे, रिवर्स कैसे है? अगर हम ये रिवर्स कैसे मुझे मिलेगा, रिवर्स तब मिलेगा जब अगर आपको पहले डिजिट 6 मिल जाए, फिर 5 मिल जाए, फिर 3 मिल जाए, तो ये डिजिट हम बना लेंगे, कैसे डिजिट बना सॉरी अगर ये डिजिट 6, 5, 3 मिल जाए तो ये नंबर हम क्रिएट कर लेंगे। कैसे क्रिएट कर लेंगे, अभी हम लोगों ने देखा है, ठीक है, कि डिजिट अगर होता है जिस ऑर्डर में मिलता है तो कैसे हम नंबर क्रिएट करते हैं। उसी तरह से अगर ये
नंबर मुझे मिल जाए 8, उसके बाद 7, उसके बाद 6, उसके बाद 4, तो ये हम नंबर क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम डिजिट कैसे निकालेंगे इससे। ठीक है, ये डिजिट इससे हम पहले क्या निकालेंगे, 6 निकालेंगे, फिर उसके बाद 5 निकालेंगे, उसके बाद 3 निकालेंगे। मतलब पहले यूनिट प्लेस का डिजिट निकालेंगे, फिर टेंथ प्लेस का, फिर थाउजेंड प्लेस का। यहाँ पे क्या निकालेंगे, यूनिट प्लेस का डिजिट, फिर टेंथ प्लेस का, थाउजेंड प्लेस का, फिर हंड्रेड प्लेस का, फिर थाउजेंड प्लेस का। ठीक है, यूनिट प्लेस, टेंथ प्लेस, हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड प्लेस, इस ऑर्डर में निकालेंगे, तभी ये हम नंबर क्रिएट कर पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों ने पहले देखा था प्रॉब्लम को कि किसी नंबर को अगर एन मॉडल अगर हम 10 लेते हैं तो ये क्या करता है, यूनिट प्लेस का डिजिट ऑफ एन ये आपको देता है। ठीक है, उसी तरह अगर आप एन को 10 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या करता है, रिमूव यूनिट प्लेस डिजिट। ये प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया है कि ये क्या करता है कि यूनिट प्लेस का जो डिजिट है उसको हटा देगा और ये क्या करेगा, यूनिट प्लेस का डिजिट आपको देगा। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे कि इसका मॉडुलो लेते जाएंगे और एन को डिवाइड करते जाएंगे 10 से। तो क्या होगा कि पहले मुझे 6 मिलेगा, फिर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर 35 हो जाएगा। फिर हम मॉडुलो लेंगे तो 5 मिलेगा, फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे 10 से तो नंबर 3 हो जाएगा, फिर मॉडुलो लेंगे तो 3 मिलेगा, और फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से तो ये 0 हो जाएगा। तो हम तीन काम करेंगे कि इफ दो वेरिएबल लेंगे, एक लेट डिजिट और रिवर्स आर वेरिएबल्स। ठीक है, ठीक है, ये दो वेरिएबल हम लेंगे। ठीक है, और अगर रिवर्स करना है तो पहली बात क्या होना चाहिए, अगर n को रिवर्स करना है तो n शुड नॉट बी इक्वल टू 0, अगर 0 है तो रिवर्स का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो नंबर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो अगर क्या होगा कि इफ n नॉट इक्वल टू 0 है तो हम क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, डिजिट निकाल लेंगे। डिजिट विल बी n मॉडुलो 10, और हम रिवर्स को क्या करेंगे, रिवर्स विल बी इनिशियली 0, ये रिवर्स इनिशियली 0 है, हम रिवर्स को क्या करेंगे, रिवर्स विल बी रिवर्स इनटू 10 प्लस ये डिजिट। ठीक है, ये यूनिट प्लस का डिजिट मिलेगा, इसको हम यहां पे रिवर्स में यूज करके रिवर्स को हम क्रिएट करेंगे। और थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे, एन को क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, एन इज इक्वल टू एन बाई 10। फिर क्या करेंगे, फिर हम यही काम करेंगे, तो ये काम हम बार बार करते रहेंगे जब तक कि n 0 ना हो जाएगा। जैसे ही 0 हो जाएगा रिवर्स में मुझे क्या मिलेगा, वो नंबर मिलेगा जो n का रिवर्स है। ठीक है, सो n नॉट इक्वल टू 0 तो हम क्या करेंगे, डिजिट निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, रिवर्स को 10 से मल्टीप्लाई करके उसमें वो डिजिट ऐड कर देंगे, और n को क्या करेंगे, हम 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये काम हम देखते हैं एक एग्जाम्पल का यूज करके कैसे ये रिवर्स कैलकुलेट होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट लिखेंगे। ठीक है, तो सो यहां पे नंबर लेते हैं n, कंडीशन चेक करेंगे n नॉट इक्वल टू 0 है, अगर है तो क्या करेंगे, पहले हम डिजिट कैलकुलेट करेंगे। डिजिट कितना होगा, n मॉडुलो 10, और रिवर्स कितना हो जाएगा, रिवर्स विल बी रिवर्स इनटू 10 प्लस डिजिट, और एन को क्या करेंगे, एन बाई 10 कर देंगे। ठीक है, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये सारा काम हम करते जाएंगे। ठीक है, सो इनिशियली मान लीजिए एन इज 356। ठीक है, सो 356 नॉट इक्वल टू 0 ट्रू है ये, तो हम क्या करेंगे, डिजिट कैलकुलेट करेंगे, तो डिजिट कितना हो जाएगा, डिजिट विल बी इक्वल टू 356 मॉडुलो 10, तो ये कितना हो जाएगा 6, और रिवर्स इनिशियली 0 रहा होगा। ठीक है, सो रिवर्स कितना हो जाएगा, रिवर्स विल बी इक्वल टू रिवर्स विच इज 0 इंटू 10 प्लस डिजिट इज 6, ये डिजिट हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और n कितना हो जाएगा, 356 बाई 10, दिस विल बी 35। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, n कितना हो जाएगा, n मेरा आप देखिए 35 हो गया, सो n इज 35, कंडीशन ट्रू है, हम क्या करेंगे, अगेन डिजिट कैलकुलेट करेंगे, सो डिजिट कितना हो जाएगा, 35 मॉडुलो 10, तो दिस विल बी 5, और रिवर्स कितना हो जाएगा, प्रीवियस रिवर्स कितना है, 6 है, तो 6 इंटू 10 प्लस डिजिट कितना है, 5 है। ठीक है, सो 5, सो दिस इज 65। ठीक है,
और n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 35/10, तो अब ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में n कितना हो जाएगा मेरा, 3 हो जाएगा। सो दिस इज 3, दिस इज 2, सो डिजिट अब कितना हो जाएगा, डिजिट विल बी नाउ 3 modulo 10, सो दिस इज 3। रिवर्स कितना हो जाएगा, प्रीवियस रिवर्स जो कि 65 है इंटू 10 प्लस ये डिजिट ऐड कर दीजिए इसमें 3, सो दिस इज 653। और n कितना हो जाएगा, 3/10, ये हो जाएगा 0। तो फोर्थ स्टेप में n इज 0, तो हम क्या करेंगे, ये फॉल्स हो गया तो हम रुक जाएंगे। अब ये जो नंबर बना है रिवर्स, दिस इज 653, दिस इज द रिवर्स, और दिस इज, और n कितना था मेरा 356, तो इसका देखिए रिवर्स मिल गया मुझे 653, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिवर्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एग्जांपल सा और ये सिंपल सा स्टेप्स था एल्गोरिदम का। अभी हम क्या करेंगे, इसका एल्गोरिदम लिखेंगे, फ्लोचार्ट बनाएंगे और एक सी प्रोग्राम लिखेंगे देखने के लिए कि कैसे ये रिवर्स हम कैलकुलेट करते हैं किसी इंटीजर का, ठीक है। सो एल्गोरिदम क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा, हम क्या करेंगे, रीड करेंगे n को, रीड n। दूसरा स्टेप क्या होगा, हम रिवर्स को जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इफ n नॉट इक्वल टू जीरो। अगर n नॉट इक्वल टू जीरो है तो यहां पे देखिए 3.1 का मतलब ये 3 स्टेप में ही काम हो रहा है, थर्ड स्टेप में ये सारा काम हो रहा है। पहला काम क्या करेंगे, हम डिजिट कैलकुलेट करेंगे, डिजिट विल बी n मॉडुलो 10। दूसरा काम क्या करेंगे, 3.2 रिवर्स को क्या करेंगे, प्रीवियस जो वैल्यू है रिवर्स का उसे 10 से मल्टीप्लाई करके इसमें डिजिट ऐड कर देंगे। और तीसरा काम क्या करेंगे, हम n को 10 से डिवाइड कर देंगे। ये काम हम करते जाएंगे, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर हम यहां पे आ जाएंगे। तो ये काम बार बार होते जाएगा, जब तक नॉट इक्वल टू जीरो है ये काम बार बार होता जाएगा, 3.1 होगा, 3.2, 3.3, फिर यहां पे कंडीशन चेक होगा। जैसे ये फॉल्स होगा तो हम क्या होंगे, ठीक है, अगर ये ट्रू है तो ये तीनों काम होगा, ट्रू पे 3.1, 3.2, 3.3 ये होता जाएगा, रिपीटेशन होता जाएगा। फोर्थ पे हम क्या करेंगे, अगर एन जीरो हो गया तो हम रिवर्स को प्रिंट रिवर्स, ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसका हम फ्लोचार्ट बनाते हैं, तो फ्लोचार्ट में क्या करेंगे, पहले हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट, ठीक है। पहला काम क्या करेंगे, हम रीड करेंगे, रीड n। दूसरा काम क्या करेंगे, हम रिवर्स को जीरो कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लूप का यूज करेंगे, ठीक है, हम चेक करेंगे n नॉट इक्वल टू जीरो, अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, कंडीशन ट्रू है, तो हम क्या करेंगे, डिजिट कैलकुलेट करेंगे, डिजिट, डिजिट विल बी इक्वल टू n मॉडुलो 10। और रिवर्स को क्या करेंगे, रिवर्स विल बी रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, n को 10 से डिवाइड कर देंगे, n इज इक्वल टू n बाई 10, ठीक है। n नॉट इक्वल टू जीरो पे हम क्या करेंगे, डिजिट निकाल लेंगे और रिवर्स को 10 से मल्टीप्लाई करके डिजिट को ऐड कर देंगे और n को 10 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और फॉल्स होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, n जीरो हो गया तो हम क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट कर देंगे रिवर्स को, प्रिंट रिवर्स, और ये हम स्टॉप कर जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। हम n को रीड करेंगे, रिवर्स जीरो कर देंगे और ये लूप है बेसिकली, यहां पे दिस इज द लूप, ठीक है। हम क्या करेंगे, n नॉट इक्वल टू जीरो ट्रू है, ठीक है, ट्रू है तो हम डिजिट निकालेंगे, उसके बाद रिवर्स को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिजिट ऐड कर देंगे और फिर n को 10 से डिवाइड करके फिर कंडीशन चेक करेंगे। एज लॉन्ग एज n इज नॉट इक्वल टू जीरो, हम यही काम करते जाएंगे। फाइनली n जब जीरो हो जाएगा तो रिवर्स में मेरा क्या होगा, रिवर्स n का रिवर्स स्टोर होगा, ठीक है। तो इसको हम प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसी का सी प्रोग्राम अगर लिखते हैं तो सिंपल सा सी प्रोग्राम होगा इसका। सी प्रोग्राम क्या होगा, हम थ्री वेरिएबल ले लेंगे, इंट, n वेरिएबल ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया डिजिट, एक वेरिएबल ले लिया रिवर्स,
ठीक है, एन को रीड कर लीजिए आप, स्कैन एफ परसेंटेज डी एम परसेंट एन, ये रीड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, रिवर्स को जीरो कर देंगे और व्हाइल लूप का यूज करेंगे, ठीक है। सो व्हाइल कब तक ये काम करता है, जब तक एन नॉट इक्वल टू जीरो, जब तक एन जीरो ना हो जाए, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ डिजिट होगा, तो सारे डिजिट निकालते जाएंगे और नंबर रिवर्स करते जाएंगे। तो क्या करेंगे, डिजिट कैलकुलेट करेंगे, डिजिट इज इक्वल टू एन मॉडुलो 10, फिर क्या करेंगे, रिवर्स विल बी इक्वल टू रिवर्स इनटू 10 प्लस डिजिट, और एन को क्या करेंगे, एन बाई 10 कर देंगे, और यही काम हम बार बार करते जाएंगे। और फाइनली क्या होगा, जब हम लूप से बाहर निकलेंगे, एन जीरो हो जाएगा, तो रिवर्स में क्या होगा, एन का रिवर्स स्टोर रहा होगा, उसको हम प्रिंट करा देंगे। सो प्रिंट एफ रिवर्स इक्वल टू परसेंटेज डी एम पर सॉरी रिव, ये हम प्रिंट करा देंगे। तो इस तरीके से ये नंबर निकल गया, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम होगा रिवर्स से ही रिलेटेड, पैलिंड्रोम चेक करना, ठीक है। पैलिंड्रोम का मतलब होता है, पैलिंड्रोम का मतलब होता है एन एंड इट्स रिवर्स आर इक्वल, कोई भी नंबर अगर है और उसका अगर आप रिवर्स लेते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो वो नंबर क्या होता है, पैलिंड्रोम होता है। जैसे एग्जांपल के लिए एन इज इक्वल टू 120, 121, तो इसका रिवर्स कितना होगा, रिवर्स विल बी 121, सो दोनों नंबर सेम है, ठीक है। सो ये पैलिंड्रोम हो गया। तो इस प्रॉब्लम को भी ऐसे ही सोल्व करेंगे, कोई नंबर पैलिंड्रोम चेक करना, तो हम क्या करेंगे, उसका रिवर्स कैलकुलेट कर लेंगे और क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे कि वो नंबर की इक्विवेलेंट है कि नहीं, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए एन इज इक्वल टू 353 है, ठीक है, तो इसका रिवर्स कितना हो गया, अगेन द सेम नंबर 353, तो हम एन का रिवर्स कैलकुलेट कर लेंगे और चेक करेंगे कि ये रिवर्स के इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो ये हम पैलिंड्रोम प्रॉब्लम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो दो प्रॉब्लम आप सोल्व करिएगा, एक प्रॉब्लम रिवर्स करने का, दूसरा प्रॉब्लम पैलिंड्रोम चेक करने का। अब पैलिंड्रोम जब आप चेक करेंगे तो एन का कॉपी बना लीजिएगा, अदरवाइज क्या होगा, एन देखिए यहां पे जीरो हो जा रहा है, तो अगर आप रिवर्स से कंपेयर करेंगे तो एन जीरो रहा होगा, रिवर्स तो क्या है, रिवर्स रहे, ठीक है। सो एन का आप कॉपी बनाकर इस प्रॉब्लम को सोल्व करिएगा, ठीक है, कैसे हम पैलिंड्रोम चेक करते हैं, ठीक है। थैंक यू।